नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। औद्योगिक क्षेत्र एमआईए में स्थित मोदी फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिस पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। आग की सूचना पर खबर कवरेज करने पर मीडिया कर्मियों पर लगाई गई पाबंदी। उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर रही मौजूद। एक महीने के अंदर दूसरी बार आग लगी, आसपास के स्थानीय लोगों में दहशत। जी हां, औद्योगिक क्षेत्र एमआईए में स्थित लॉर्ड्स क्लोरो एक्ली फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाने पर आग लग गई। आग की सूचना पर औद्योगिक क्षेत्र एमआईए में स्थित रिको विभाग की दमकल कर्मचारियों ने लगी आग पर काबू पाया। अग्निशमन केंद्र फायरमैन अधिकारी बूली राम ने बताया कि हमें नगर परिषद व कंट्रोल से सूचना मिली कि एमआईए में स्थित लॉर्ड्स क्लोरो एल्कली फैक्ट्री में आग लगी है, जिसकी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया और मौके पर उद्योग नगर थाना पुलिस थाना अधिकारी मौजूद रहे। एक महीने के अंदर आग की दूसरी घटना से आसपास के क्षेत्र में स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लॉर्ड क्लोरो फैक्ट्री में जो आग लगी, कैसे लगी थी? वह शॉर्ट सर्किट के कारण तेल के अंदर आग लगी थी, जिस पर हमें नगर परिषद फायर स्टेशन से सूचना मिली, पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली और मेरे पास में फैक्ट्री मालिक के वहाँ से जो मैनेजर का वो फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे आग लग रही है, तुरंत आप दमकल लेकर आओ। हम तुरंत मौके पर पहुँचे और फॉर्म डालकर चार कैन फॉर्म डाले, तीन चार गाड़ियाँ पानी डाला, तब जाकर उसको ट्रांसफार्मर से तेल की आग बुझ पाई है और पूरी कंट्रोल कर दिए। घंटे में काबू, आग पर काबू पा लिया गया है। वैसे जनहानि नहीं हुए, मालिक को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। तुरंत प्रभाव से जो भी नुकसान है उसको बचा।